अस्पताल से लड़की हुई लापता, अपहरण का मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं निशा सरोज, आप देख रहे हैं इंडियन सिटीजन टीवी। दरअसल मामला नाला सुपारा के अंतर्गत का है, जहां दिन दहाड़े 13 वर्षीय लड़की अचानक गायब हो गई। क्या है पूरी खबर, आइए आपको दिखाते हैं। नाला सुपारा पूर्व के तुलिंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले संतोष भवन की एक घटना सामने आई है, जहां वसई विरार शहर महानगर पालिका के माता बाल संगोपन क्रेन सर्वोदय वसाहत से एक 13 वर्षीय लड़की की अस्पताल से लापता हो जाने की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि संतोष भवन के साई पवन चौल के रहने वाले राहुल राम रखन दुरिया के घर पर उनके साड़ू की लड़की पिछले 8 महीनों से 28 फरवरी को राहुल धुरिया अपनी पत्नी की डिलीवरी करने के लिए सर्वोदय वसाहत स्थित माता बाल संगोपन क्रेन पर गए, जहां उनके साथ उनके साड़ू की लड़की भी गई थी। लड़की अस्पताल के दूसरे मंजिल पर थी और 12 बजे के आसपास शौचालय जाने को कहकर वह दूसरे मंजिल के शौचालय में गई। अस्पताल के दूसरे मंजिल के शौचालय में पानी ना होने के कारण वह दूसरी मंजिल से नीचे वाले शौचालय को जाने को कहकर चली गई। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब वह वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने आसपास में तलाश किया, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चला। इस घटना की जानकारी लड़की के परिजनों ने अस्पताल के कर्मचारियों को दी। जब अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में देखने को कहा तो अस्पताल के कर्मचारियों ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज पिछले 4 दिनों से बंद है, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के नजदीकी दवाई विक्रेता की दुकान में लगे कैमरे में देखा। आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि साफ तौर पर लड़की अस्पताल के अंदर जाते हुए दिखाई दे रही है। 28 तारीख को हमारी लड़की यहाँ से गायब हुई, उसको लेके आए 11:36 ले गया हॉस्पिटल में एंट्री किया और सामने का मेडिकल है उसमें एंट्री दिख रहा है। हम लोग अंदर जा रहे हैं पर बाहर आते समय लड़की का नहीं दिख रहा है, फोटो रास्ता यही है और पहली बार हॉस्पिटल लेके आया तो लड़की को मैं हॉस्पिटल वाले का कहने का मतलब है शायद पीछे के रास्ते से निकल गई, पर लड़की को मैं पहली बार लेके आया था तो कैसे हम विश्वास करते हैं कि उसको रास्ता मालूम रहेगा, उस पर कहीं से निकल जा सकते पीछे के रास्ते। हॉस्पिटल में बोल रहे हैं कि कैमरा खराब है और बगल में बिल्डिंग है उसका एक रास्ता जाता है उसका भी बोल रहे हैं तो कैमरा खराब है, सर सबका कैमरा खराब हो गया सर, यही क्या मैं सब करूँ। मैं हॉस्पिटल के ऊपर ही शक है क्योंकि यहाँ पे अंदर जाते समय लड़की दिख रही है आते समय दिख रही है। 28 तारीख को पुलिस आई यहाँ पे पूछ के गई तो हॉस्पिटल वाले बोले कैमरा खराब है, इतना पूछ के चली गई। उसके बाद FIR दर्ज हुआ है सर, सर आके आप कैमरा चेक करवा दीजिए, लड़की बाहर गई है तो मालूम चल जाएगा, बाहर गई है तो मेरा हॉस्पिटल से शक हट जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लड़की अस्पताल के अंदर से अचानक कहां गायब हो गई, आखिर क्या आसमान खा गया या फिर धरती निकल गई, यह एक बड़ा सवाल बना है। लड़की को अस्पताल से बाहर आने का कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं पाया गया। इस घटना की शिकायत तुलिंज पुलिस स्टेशन में की गई है। शिकायत के अनुसार तुलिंज पुलिस अपहरण का मामला दर्ज कर आगे की जाँच में जुटी है। इस मामले को लेकर परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है, तो वहीं पुलिस प्रशासन मामले को गंभीरता से लेकर अपहरण का मामला दर्ज की है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, पुलिस प्रशासन लड़की को कब तक ढूंढ निकालती है, यह एक बड़ा विषय है। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहे इंडियन सिटीजन टीवी के साथ, धन्यवाद।